हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीएल 2022 के 12वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा जमैका तल्लावास और ट्रिवांगो नाइट राइडर्स के बीच। ये मुकाबला 10 सितंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7:30 से डेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड की और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से ट्रिवांगो नाइट राइडर्स की टीम 12 मुकाबलों में जीती है, वहीं 9 मुकाबलों में जमैका तल्लावास ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रिवांगो की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दुनिया का मोस्ट टेस्टेड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बालाजी ऑनलाइन बुक को। ये बुक 2014 से मार्केट लीडर बना हुआ है। विड्रॉल और डिपॉजिट भी 24x7 मिल जाता है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर केयर सर्विस आपको 24x7 मिल जाती है। इसलिए अगर आप भी एशिया कप और वर्ल्ड कप में कमाना चाहते हैं काफ़ी सारा पैसा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका व्हाट्सएप लिंक दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इनसे आईडी ले सकते हैं और खेलना कर सकते हैं स्टार्ट। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक पर क्लिक करके खेलना कीजिए स्टार्ट और कमाइए काफी सारा पैसा बालाजी ऑनलाइन बुक के साथ। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें ट्रिवांगो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे सुनील नारायण, टी वेस्टर, कॉलिन मुनरो, निकोलस पूरन, टिम सेफर्ट, कप्तान किरण पोलार्ड, आंद्रेसन के पैरी, आंद्रेसन फ्लिप, टेरेंस हिंग्स और रवि रामपाउल। ट्रिवांगो की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी जमैका तल्लावास की प्लेइंग 11। तो हमें जमैका की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे ब्रेंडन किंग, केनर लुइस, तमारा ब्रूक, कप्तान रोमन पावेल, आर रेफर, इमाद वसीम, फाबेन एलन, क्रिस ग्रीन, मिगल प्रिटोरियस, जूसा जेम्स और मोहम्मद आमिर। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में जमैका की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में जमैका की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। इन दोनों के बीच हमें 170 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा डेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 161 रन है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 140 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 226 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 51 है। यहाँ का हाईएस्ट चेज अभी तक 218 है, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 137 है। यहाँ पर पेस बॉलर्स को काफ़ी मदद देखने को मिलती है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादातर जीतती है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है ट्रिवांगो नाइट राइडर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ट्रिवांगो के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेज आते हैं तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।